रिया ने कोई गुनाह नहीं किया तो उसने माफी क्यों मांगी? क्यों कहा उसने सॉरी बाबू, माफ कर दो बाबू? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेकर रेलवे की परीक्षा के छात्र आए दिन लिखते रहते हैं यहाँ वहाँ। सहायक लोको पायलट की अभी तक बहाली पूरी नहीं हुई है। 2019 में बड़ा हंगामा था इसका। आज तक के पास वो पूरी बातचीत मौजूद है जो महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई थी 8 जून को। उत्तर प्रदेश में रामराज के नाम पर जो हत्या और बलात्कार की बाढ़ सी आ गई ना, उसको लेकर मैं पूरी तरह से निःशब्द हूँ। हमारे देश में मीडिया को एक ऐसा मुद्दा मिल ही जाता है जिसे वह पूरे हफ्ते या महीने चर्चा का विषय बनाए रखता है। इसी की वजह से कई अहम मुद्दे खत्म हो जाते हैं। अगर मीडिया उन मुद्दों पर चर्चा कर भी ले तो सवाल विपक्ष से ही होते हैं। इस वजह से भारत में मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है, एक जो विपक्ष से सवाल करता है और दूसरा जो सरकार से सवाल करता है। आज हम इन दोनों तरफ के मीडिया की डिबेट्स के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने 5 डिबेट्स में किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की। आइए जानते हैं कि अर्नब ने पिछले 5 डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। पहला, अपने ही बयानों में फंसे सुशांत के गुनाहगार। दूसरा, हत्या का सुराग सुशांत के घर में मौजूद। तीसरा, सुशांत की मौत का राज है माफ कर दो बाबू। चौथा, अब सुशांत को मिलेगा इंसाफ। और पांचवा, सीबीआई जांच में सामने आएगा सुशांत का सच। इस बार भी अर्नब ने सुशांत के मुद्दे को ही तवज्जो दी। हाल में देश में कोरोना की केसेस की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। लोगों को हॉस्पिटलों में अच्छी सुविधाएं मिल रही है या नहीं, इस पर कोई बात नहीं कही, ना ही कोई डिबेट की। अर्नब अपनी डिबेट में रिया चक्रवर्ती पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। क्या अगर रिया ने कोई गुनाह नहीं किया तो उसने माफी क्यों मांगी? क्यों कहा उसने सॉरी बाबू, माफ कर दो बाबू? अगर सुशांत ने आत्महत्या की तो रिया फिर किस चीज की सॉरी कह रही थी, किस गलती की माफी चाह रही थी? यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है। और अगर गवाह सुशांत सिंह ने इस मामले की को मुंबई पुलिस से शिकायत की है उन्होंने, और अगर सुरजीत ने मुंबई के डीसीपी को खुद एक कंप्लेंट लेटर लिखी है तो मुंबई पुलिस ने उसकी अनदेखी क्यों की? और सबसे बड़ा सवाल आज कि इस केस का सबसे बड़ा संदिग्ध, दोस्तों मैं पहले दिन से बोल, रिया चक्रवर्ती और संदीप से। अब बात करते हैं आज तक के वरिष्ठ पत्रकार अंजनोम कश्यप की। पहले जानते हैं कि उन्होंने अपने 5 डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। सुशांत केस में गवाहों को बयान से बढ़ता सस्पेंस। दूसरा, रिया का हर राज अब होगा बेनकाब। तीसरा, टेबल कुर्सी के बिना सुशांत ने कैसे लगाई फांसी। चौथा, सुशांत केस में पुलिस का झगड़ा खत्म, सीबीआई दिखाएगी दम। और पांचवा, रिया की सफाई का नया साजिश। अंजना उप कश्यप ने भी अपने डिबेट के मुद्दों में सुशांत केस को ही तवज्जो दी और इसी के रिलेटेड सवाल भी किए। सुशांत के मुद्दे पर मीडिया काफी सक्रिय लग रहा है। अगर वे इतनी सक्रियता देश के अन्य मुद्दों पर भी दिखाता तो शायद कई लोगों की समस्याएं हल हो जाती। खैर, अंजना ने भी अपनी डिबेट के जरिए रिया चक्रवर्ती पर ही सवाल उठाए। आज सीबीआई जांच के पहले दिन की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के पास वो पूरी बातचीत मौजूद है जो महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच हुई थी 8 जून को। उस व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि सुशांत की मौत की खबर आने के बाद यानी 14 जून को दोपहर के करीब 2 बजे महेश भट्ट ने रिया को मैसेज भेजकर लिखा था कि कॉल मी यानी मुझे फोन करो। इससे पहले दोनों के बीच कई बार मैसेज का आदान प्रदान हुआ। महेश भट्ट और रिया को लेकर शेखर सुमन ने आज तक से खास बातचीत में इतना ही कहा कि उनके महेश भट्ट से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन विनाश काल में इंसान की बुद्धि बदल जाती है। सवाल यही है कि महेश भट्ट पूरी सच्चाई क्या इस रिश्ते की जानते थे? 2:35 पर जब मौत की खबर आई तो महेश भट्ट ने व्हाट्सएप पे लिखा कॉल मी, फोन करो। महेश भट्ट ने लिखा अर्जुन को कि किस तरह से ये हुआ, ये पूरी प्रक्रिया जो बातचीत की रही है वो हमने आपको दिखा दी। अब बात करते हैं उस मीडिया की जिससे जनता भी अब अपनी समस्याएं को लेकर उम्मीद करने लगी है कि वह हमारे मुद्दे उठाएंगे और सरकार से सवाल करेंगे। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की। पहले जानते हैं कि उन्होंने अपने डिबेट्स किन मुद्दों पर किए। पहला, क्या है गांव में ऑप्टिकल फाइबर की जमीनी सच। दूसरा, कोर्ट की अवमानना की लक्ष्मण रेखा का सवाल। तीसरा, परीक्षाएं होती हैं सालों, नतीजे नहीं आते। चौथा, क्या महामानव बन पाएंगे भारत के छात्र
और पांचवा, कोविड-19 से अब भी सतर्क रहने की जरूरत। रवीश ने इस बार भी अपने डिबेट के जरिए सरकार से ही सवाल किए और देश की जनता के मुद्दों को सामने रखा है। रवीश ने सरकार की सरकारी नौकरियों को लेकर बनाई नई संस्था को लेकर सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। ट्विटर पर आए दिन किसी न किसी भर्ती परीक्षा के छात्र ट्रेंड कराते रहते हैं कि 2 या 3 साल हो गए उनकी परीक्षा के रिजल्ट कब निकलेगा, और जिनके रिजल्ट आ चुके हैं वो भी 2 साल से ट्रेंड करा रहे हैं कि उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से लेकर रेलवे की परीक्षा के छात्र आए दिन लिखते रहते हैं यहाँ वहाँ। सहायक लोको पायलट की अभी तक बहाली पूरी नहीं हुई है। 2019 में बड़ा हंगामा था इसका। करीब करीब 2 साल होने जा रहे हैं। सरकार को पता है कि छात्र बेचैन हैं, नाराज हैं। इस पर कोई ठोस जवाब नहीं आता कि कब रिजल्ट निकलेगा, कब ज्वाइनिंग होगी, मगर इसकी जगह एक नई घोषणा कर दी जाती है। लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की लेट लतीफी को लेकर 2018 के वर्ष में SSC मुख्यालय के बाहर कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, तब क्यों नहीं ख्याल आया। उसके 2 साल बाद केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी बनाई जाएगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी राष्ट्रीय संस्था थी, वो काम वो संस्था क्यों नहीं कर सकती थी। इस नई संस्था के ऐलान से क्या बदलने वाला है। अब बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा की, जो सोशल मीडिया चैनल के जरिए लगातार बीजेपी सरकार को हर मुद्दे पर घेरते जा रहे हैं। पहले देखते हैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे। तबलीगी जमात को बदनाम करने पर गोदी मीडिया को हाई कोर्ट की लताड़। दूसरा, मोदी की बनारस में बीजेपी नेताओं की दबंगी। तीसरा, बीजेपी का प्रचार क्यों कर रहा है फेसबुक। चौथा, नीट JEE के स्टूडेंट्स की जान के साथ खिलवाड़ मत करो सरकार। और पांचवा, सुशांत सिंह और आमिर खान की आड़ में बीजेपी का बड़ा गेम। अभिसार ने भी अपनी डिबेट के जरिए सरकार पर ही सवाल उठाए। अभिसार ने प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा सीट बनारस में बढ़ रहे गुंडाराज पर सरकार पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट बनारस में, और आप जानते हैं हुआ क्या है। गोरख यादव नाम के एक शख्स को भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या नाम है इस नेता का, इस नेता का नाम है रोशन द्विवेदी। खुलेआम उसने गोरख यादव नाम के एक शख्स को गोली मारी, ताबड़तोड़ गोली मारी। और फिर से देखिए तस्वीर, पत्नी की क्या बुरी हालत है। गोरख यादव उर्फ अनिल यादव की हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में रामराज्य के नाम पर जो हत्या और बलात्कार की बाढ़ सी आ गई ना, उसको लेकर मैं पूरी तरह से निःशब्द हूं। और यह घटना इसलिए मुझे और भी सालती है क्योंकि यह प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट में हो रही है, बनारस में हो रही है। बनारस के इस हादसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस कदर दबंगई दिखाई थी, उसका प्रमाण मिलता है इस प्रत्यक्षदर्शी के बयान से। जहां एक तरफ गोदी मीडिया सुशांत के केस को सॉल्व करने में लगा है, जो काम CBI को करना है, वहीं दूसरी तरफ हमारा असल मीडिया इस सब से हटकर अलग मुद्दे उठाकर सरकार से लगातार सवाल कर रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा बाकी का मीडिया भी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करे और सरकार से सवाल करना शुरू करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।